उधर पलवल में गुरु रविदास जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी पहुंचे थे। इस कार्यक्रम के दौरान गुर्जर ने संत गुरु रविदास को नमन किया और साथ ही लोगों को संबोधित भी किया। गुर्जर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछली पंक्ति में और सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को उठाने का काम किया है और केंद्र सरकार बाबा भीमराव अम्बेडकर के जीवन से जुड़े 5 स्थानों को महातीर्थ बनाने का काम भी कर रही है। उन्होंने कहा कि जहाँ बाबा साहेब ने जन्म लिया, जहाँ उन्होंने पढ़ाई की और जहाँ उन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांस ली, उन सभी स्थानों को महातीर्थ बनाने का काम किया जा रहा है। जब से आपके आशीर्वाद से देश में मोदी जी की सरकार आई है, सिर्फ रविदास जी की जयंती नहीं, बाबा भीमराव अंबेडकर जो सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में जिनकी पूजा होती है, जिन्होंने हमें संविधान दिया, जिन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए बहुत कुछ किया और समाज का जो अंतिम वर्ग है उसका अगर आज आगे बढ़ रहा है, उसका अंतिम समाज के अंतिम वर्ग का कल्याण करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। आज ऐसे ही पूरी दुनिया उनको याद नहीं करती, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं पार्लियामेंट में उनकी तस्वीर लगाने का काम भी आपको जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया और भारत रत्न भी उन्हीं की सरकार ने बाबा भीमराव, जब से देश आजाद हुआ तब से किसी ने नहीं दिया, बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम भी आपकी इसी सरकारों ने किया।